माय चैनल। सो आज के वीडियो में स्पेशल क्या है जो कि आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा, ऑब्वियसली आज के वीडियो में है न्यूली वेड मेकअप लुक, जो कि ये मेकअप लुक है और बहुत ही सिंपल सा और इजी सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगा और अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि एज यूजुअल मैं अपना जो है मॉइस्चराइजर करती हूँ अपने फेस को, देन मैं अपना जो मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पॉन्ड्स का ही मॉइस्चराइजर अभी यूज किया है। देन मैं अभी लगा रही हूँ जो कि है NYB का प्राइमर यूज कर रही हूँ। देन मैं आज NYB का ही जो है स्टिक फाउंडेशन और कॉन्टोर दोनों साथ में ही करने वाली हूँ। मैंने प्राइमर भी अच्छे से अप्लाई कर लिया, देन मैं अप्लाई कर रही हूँ जो कि है स्टिक फाउंडेशन NYB का, और ये एज अ कंसीलर भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसको पहले तो ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा इसे डैप करूंगी ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब मैं करने वाली हूँ फेस को कॉन्टोर, और जैसे कि शादियों में और ऑब्वियसली आपकी न्यू शादी हुई है, आपका फेस अच्छा दिखना चाहिए और फेस में एक डायमेंशन भी चाहिए, और जब भी आप मेकअप करते हो थोड़ा सा कॉन्टोर करोगे। और इजी कॉन्टोरिंग तरीका आपको मैं बता रही हूँ, जो कि अगर आपके पास ब्राउन कलर की लिपस्टिक है तो बहुत ईजी रहेगा आपको कॉन्टोर करने में आपका फेस। अगर आपके पास कॉन्टोरिंग नहीं है और इनकेस आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, ये एक आपके लिए टिप है, तो आप ब्राउन लिपस्टिक से कॉन्टोरिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर लिया, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी, बट उससे पहले मैं अपना जो है ब्लश भी मैं अभी लिक्विड वाला यूज कर रही हूँ जो कि टिंटेड लिपस्टिक है, उससे मैं अपना ब्लश भी अभी कर लूंगी और दोनों को साथ में ब्लेंड कर दूंगी। जैसे कि टाइम तो नहीं होता है, बट जल्दी जल्दी में रेडी होने के लिए एक बहुत अच्छा जो है तरीका है, आप एक साथ कॉन्टोर कर लो एक साथ ब्लश कर लो, तो साथ में दोनों को ब्लेंड कर लो। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको मैं साथ में ब्लेंड करने वाली हूँ। मैंने कुछ इस तरह से इसको ब्लेंड किया है, ये थोड़ा सा भी रेडिश दिख रहा होगा, बट ये बाद में अच्छे से सेट होने के बाद अच्छा सा एक नेचुरल सा लुक आएगा। जैसे कि नई दुल्हन है ऑब्वियसली उसको अच्छा सा पिंक सा ग्लो होना ही चाहिए फेस पे, और अगर आप मेकअप भी कर रहे हो तो ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि आपने इतना ओवर मेकअप किया हुआ है, थोड़ा सा नेचुरल टाइप रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे टिंटेड लिपस्टिक का यूज़ किया है एज अ ब्लश, और मैंने यहाँ पे जो है एक लिपस्टिक को ब्राउन वाला लिया है जो कि कॉन्टोरिंग का यूज़ किया है। सो अब मैं लगा लूंगी जो कि है मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दूंगी। पाउडर से इसको अच्छे से सेट कर दिया, अब मैं जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है पहले तो उसको मैं डस्ट आउट करूंगी। तो मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ जो कि ये वाला ब्राउन शेड है, और इसको मैं पहले अच्छे से अपना जो है क्रीज पे लगा लूंगी, और फिर मैं अच्छे से ब्लेंड करते हुए अपने आईज पे भी लेके आऊंगी ताकि नेचुरल सा लुक रहे, ज़्यादा आपके आईज हैवी टाइप नहीं लगे, और आईज हैवी भी करने भी नहीं है, हैवी मेकअप नहीं करना, हमें सिंपल सा लुक रखना है। इसके बाद मैं पिक कर रही हूँ इसके बाद वाला जो कलर है यहाँ पे, थोड़ा सा जो है कोको है, इसका नाम जो है कोको कलर, मीन्स डार्क ब्राउन शेड में है ये वाला कलर, और उसको फिर मैं लेके इसके ऊपर ही सेम ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ लूंगी, आउटर से इनर कॉर्नर आपको लेना है।
तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया और ये कुछ इस टाइप का कलर है जो कि मेरे साड़ी से मैचिंग नहीं है, बट मुझे साड़ी से मैचिंग नहीं करना था, उसको थोड़ा सा सिंपल रखना था, इसे मैंने रखा है। आप चाहो तो इसमें बीच में जो है जो कि सेंटर आईलिड में गोल्डन कलर ऐड कर सकते हो, और गोल्डन कलर अभी जो मैं लेने वाली हूँ जो कि ये वाला है, और इसको मैं दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा साड़ी में मैच है तो इसको और इसको मैं सेंटर आईलिड पे रखने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो कि रोज़ गोल्ड टाइप एक कलर है, इसको और इसको मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गोल्ड है तो इसको थोड़ा सा मुझे मिक्स करना पड़ रहा है, और मैं सेंटर आईलिड पे जस्ट मैं ऐसे प्लेस कर दूँगी। तो इसका कलर कुछ इस टाइप से आएगा। सो आफ्टर अप्लाइंग ग्लिटर आई शेडो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, और इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रखने वाली हूँ, इसमें और दूसरा कोई कलर नहीं ऐड करूंगी। बट मैं यहाँ पे जो है आईलाइनर आज लगाने वाली हूँ जो कि ब्लैक आई शेडो से ही आईलाइनर अपना क्रिएट करूंगी, और जो है लिक्विड आईलाइनर का यूज नहीं कर रही हूँ मैं आज। तो मैंने आईलाइनर अपना लगा लिया है और आई शेडो का अपना आईलाइनर जैसे मैंने अप्लाई किया है, देन मैं अप्लाई कर रही हूँ जो कि है काजल, और यहाँ पे मैंने कॉलर बार का काजल लिया है, और इसको मैं लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे दोनों पे लगाने वाली हूँ कुछ इस तरह से, ताकि आपका जो ऊपर का गैप है वो फिल हो जाए इसके हेल्प से, काजल की हेल्प से, और वो लगेगा नहीं कि आपने आईलाइनर नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट मेरा आई लुक जो होता है कंप्लीट, और मैं बस जो है मैंने नीचे काजल लगा के और उसको अच्छे से स्मज कर दिया है, और देन मैं अभी पहले अपने आईब्रोज को फिल करूँगी, देन बाकी के जो है आगे के स्टेप्स को करूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मेकअप होता है डन, और मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट, और मैंने लैशेज भी अपने लगा लिए हैं और आईब्रोज भी फिल कर लिए, देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। सो जो कि है फाइनल टच अब मेरा हमेशा का जो कि है हाइलाइटर, और उसको मैं अप्लाई कर लूँगी पहले, देन मैं बाद में इसको सेटिंग्स पे से थोड़ा सा सेट करने वाली हूँ मेकअप को। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाता है मेरा मेकअप कंप्लीट, बट मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो है फाइनल लुक। तो आप लोगों ने देखा ये लुक क्रिएट करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा क्विक सा इजी लुक मैंने क्रिएट किया है जो कि न्यूली वेड है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे हो, तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने मेरी कोई भी मेकअप लुक अगर आपने रिक्रिएट किया हो तो आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं उसको अपनी स्टोरी में ऐड करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे हो, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।